लॉकडाउन का असर हर तरफ है और हम बनारस के दूध मंडी में हैं और ये गदौलिया दूध मंडी है। पहले हम आपको बाजार दिखा रहे हैं, ये देखिए बाजार है। हालांकि ये दूरी जो खड़े हुए हैं, सोशल डिस्टेंस जो मेंटेन कर रहे हैं, ये सुरक्षा के तहत किया जा रहा है। लेकिन इस बाजार की सिफत यदि बताई जाए तो इस बाजार में तिल रखने की जगह नहीं होती है, बड़ी मंडियों में शुमार है और यहाँ बेशुमार भीड़ हुआ करते हैं। लेकिन आज की बात करें तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि एक डिफरेंस के तहत एक दूरी बना के ये दूधिए खड़े हैं और अपने ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। ये कहा जाए कि दूध बारी बारी ही दे रहे हैं। समझा जा सकता है कि दूध के जो रेट हैं 40 और कभी 45, ये रेट खोला जा रहा है। लेकिन बावजूद उसके यदि देखा जाए तो जो ग्राहकों की आवक है वो कम है। हमारे साथ एक भाई हैं, इनसे हम बात करते हैं क्या आखिर कितनी परेशानियां हो रही हैं और किस ढंग से इस बंदी को देख रहे हैं। भैया पहले भी आप दूध देते थे, आज भी दे रहे हैं, दोनों में अंतर क्या लग रहा है आपको? अंतर ये लग रहा है कि इस समय हम लोग का नवरात्र चल रहा है, इस समय दूध महंगा बिकना चाहिए। बाकी दूध का कोई भावे नहीं है, कोई 300 का बेच रहा है, कोई 2500 का, कोई 40 का बेच रहा है, जिसका बना है अपना 40-45 बिक रहा है। एवरेज रेट क्या है? एवरेज रेट इस समय 50, मिनिमम 50 के ऊपर होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए। वो कितने में रहा है? बिक रहा है वही 35-40-25, जैसा जिसका तो फटने। ग्राहक कम है? ग्राहक कम नहीं है, दुकान सब बंद है, दूध खींच हो नहीं रहा है, दुकानों में नहीं जा रहे हैं। दुकान देखिए, जो लोग अपने घरों में लेके जाते हैं दूध, वो लोग तो हैं ज्यों के त्यों, लेकिन जो दुकानों में जाते हैं, खास करके मिठाई की दुकान या फिर इनसे जुड़ी हुई चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, उनके यहाँ दूध की खपत नहीं है। और यही वजह है कि जो दूधिए हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं और अपने रेट को, जो रेट उन्हें मिलना चाहिए, उस रेट पर दूध नहीं बेच रहे हैं। यहाँ भी एक है, इनसे भी आइए बात करते हैं। कहाँ का हुआ तू? जमालपुर से ही आए हुए हैं। क्या रेट चला था? कोई रेट का ठिकाना नहीं है, जो बिक रहा है बेच रहे हैं, कभी 35 बिक रहा है, कोई आ रहा है तो 25 लगा रहा है, कोई 30 लगा रहा है, लेकिन पशु का चारा के नहीं लिख रहा है क्या हम लोग बेचें। वजह क्या बता रहे हैं? वजह यही, करुदा से पूरी दुकानदार बंद है, दुकानी सब दुकानें बंद है, दुकान बंद होने से वजह से दूध का खींच नहीं है। देखिए जो स्थितियाँ हैं वो निश्चित तौर पर भवाहक हैं, ग्राहक नहीं है और ग्राहक न होने का वजह सबसे बड़ा जो है लोगों की आवाजाही, और दूसरी उससे भी बड़ी बात कि जो खाद्य वस्तु के सामान है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया, चाहे वो मिठाई की दुकानें हो या फिर दूसरी दुकानें हो, इन दुकानों के बंद होने से इनकी जो डिमांड है, इनकी जो निकलनी चाहिए रिक्वायरमेंट, वो नहीं निकल रहा है। आइए इनसे भी बात करते हैं। कहाँ से हैं अभी आप? सिंदौरा। सिंदौरा कितना दूर है बनारस से? यहाँ से पड़ेगा करीब 22। देखिए 22 किलोमीटर से ये चल के आए हैं, और क्या क्यों दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत बहुत परेशानी है दूध बेचने में। जैसे जैसे हम लोग की आने जाने में भी परेशानी है, दुकान बंद है, कोई लेने वाला नहीं है दूध। तो रेट रेट पे असर पड़ा होगा? रेट बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। क्या रेट बेच रहे हैं? यही 35 रुपया बेच रहे हैं। 35। पहले क्या बेचते थे? जैसे यदि पिछले नवरात्र की बात की जाए, पिछले नवरात्र में क्या रेट था दूध? 50-60 बिक रहा था। 50-60 बिक रहा था। देखिए ये दर्द है इन दूधियों का, इनकी खरीदारी नहीं आ रही है, और सबसे बड़ी बात यदि देखी जाए तो प्रशासन इस बात के लिए लगातार ताकीद कर रहा है कि दूधियों को नहीं रोका जा रहा है, दूधियों को आने जाने दिया जा रहा है। लेकिन बावजूद उसके जो इनके ऊपर धंधे पे असर पड़ा है, उस असर का सबसे बड़ा कारण दुकानों में न खुलना, दुकानों में खपत होना बंद हो जाना बताया जा रहा है। समझाया जा सकता है कि इन दूधियों की बात करें, इनके दर्द की बात करें, तो इनका साफ सा कहना है कि इनके जानवरों के लिए पैसे भी नहीं निकल रहे हैं और दूध कच्ची चीज़ होने के कारण उसे किसी तरीके से स्टोर भी नहीं किया जा सकता है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ संतोष ओझा।